Good morning, students. To your regular study at this time. अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपनी मेहनत हार्ड वर्क को आप इस टाइम के साथ ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप घर में हैं और आपके की जो इस वक्त की भी स्टडी है वो आपको आगे बहुत काम आएगी। तो इसी बात के साथ हम आज का जो है लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का लास्ट टॉपिक। कि रक्त के परिसंचरण तंत्र में हमने हृदय के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, हृदय क्या, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसे नोड वगैरह का प्रोसीजर, निलय आलिंद में संकुचन प्रकुचन की क्रिया। इसके बाद लास्ट चीज आती है कि हमने हृदय के बारे में और कई बीमारियां सुनी हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, कई बार ऐसा सुना है कि ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट में। तो ये सारी बीमारियां जो है वो किसके अंदर आएंगी, आपके हृदय के अंदर यदि कोई रोग हो गया या परिसंचरण से, यदि हृदय के अंदर जब रक्त का प्रवाह हो रहा है उस स्थिति में जब कोई धमनी के अंदर रुधिर नहीं पहुंचा या रुधिर या निलय जो है आलिंद या निलय में संकुचन की क्रिया नहीं हुई, तो कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। जब हमने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है तो बहुत सी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि कई बार रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में हृदय के अंदर क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई जीवाणु के संक्रमण से भी रोग उत्पन्न हो सकता है, या परिसंचरण तंत्र यदि सही तरीके से कार्य नहीं करता तो भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यही जो है वो हमारी आज का टॉपिक है, हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर हम जनरली बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। उच्च रक्तचाप, देखिए सामान्यतः प्रकुंचन व अनुशीतलन के समय धमनी का दाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120-80 होना चाहिए, ठीक है। प्रकुंचन का दाब 120, यानी हम कह सकते हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, तो जो होता है मैक्सिमम होता है हमारा 120 और लो वाला होता हमारा 80 होना चाहिए। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रकुंचन दाब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो प्रकुंचन दाब जब 140 से ज्यादा हो जाए या अनुशीतलन दाब 80 से कम हो जाए, 80 से लेस हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये कंडीशंस में क्या होता है, उच्च रक्तचाप की संभावना 80 से अधिक हो जाए, तो इस स्थिति में उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का होना। ये जो होगा इससे हृदय पर, मस्तिष्क पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट था हाई ब्लड प्रेशर 120-80 नॉर्मल होता है। सेकेंड चीज, हृदय धमनी रोग, CADB हम इसे कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। हृदय पेशी रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी जो होती है, यानी हृदय पेशी के अंदर रुकावट आ जाए, जो रक्त को पहुंचाने वाली वाहिनी है उसके अंदर जब क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, और वो रुकावट किस वजह से आ रही है, वसा या कैल्शियम के पदार्थ जो है वो हृदय पेशी के अंदर जमा हो गए, तो जमा हो जाएंगे तो वहां से जो रक्त की आपूर्ति वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है, और इसी स्थिति को हम कहते हैं हृदय धमनी रोग। थर्ड हम बात करते हैं हृदयपात, कहते हैं उसको हार्ट फेल हो गया उसका। तो हार्ट फेल की क्या समस्या है, हृदय से रक्त की आपूर्ति जो होती है वो शरीर के भागों में नहीं हो पाती है, यानी जब हृदय से रक्त जो जाने वाला है शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंचा तो वो चीज क्या हो गई, हार्ट फेल हो गया। बेसिकली इसका मुख्य लक्षण क्या होगा, जब कंडीशन ऐसी तो फुफ्फुस में क्या होता है, वो संकुचन हो जाता है, और जब फुफ्फुस में संकुचन होगा तो फुफ्फुस के अंदर ही रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, तो वहां से जब फुफ्फुस के अंदर संकुचन हो तो शुद्ध की जो मात्रा होगी वो क्या हो गई, नहीं हो पाई, और इसी कंडीशन में जो है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। वो कौन सा था, अचानक से जब पूरे शरीर में हार्ट ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो अचानक क्या हो जाता है, हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया, इट मीन्स हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट इज कपाटी रोग, जब आपने पढ़ा है कि हृदय की जो भी आपने तंत्र पढ़ा था, सिस्टम पढ़ा था, उस सिस्टम के अंदर कपाट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कई बार कपाट की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कार्य ढंग से नहीं कर पाते। अब जब ढंग से कपाट कार्य, कपाट का क्या काम होता है, जो आलिंद में यदि कोई रक्त है तो वो निलय में जाने से रुक जाए, स्टॉप कर दे, या निलय में यदि रक्त आया हुआ तो आलिंद में जाने से रुक जाए। इस स्थिति में जब क्या हो, रक्त जो होगा वो विपरीत दिशा में जाने लगेगा, जब कपाट काम नहीं करेंगे तो रक्त विपरीत दिशा में जाएगा, उस स्थिति में शुद्ध
और गंदा रक्त जो होता है यानी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होता है वो आपस में मिल जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं कपाटीय रोग। नेक्स्ट, हृदय अवरोध, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉकेज कब हो जाते हैं? हमने चार चीजें पढ़ी थी, उसमें एक नाम पढ़ा था, जब हमने हृदय का तंत्र पढ़ा था उसमें एक नाम पढ़ा था कि हृदय तंत्र की कार्यप्रणाली में हिस्के बंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हिस्के बंडल का क्या काम होता है कि ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न हो रहे हैं वो हिस्के मंडल द्वारा नीले तक पहुंचने चाहिए, लेकिन जब हिस्का मंडल सही काम नहीं करेगा तो यहाँ से जो ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न हुए वो कहाँ नहीं पहुंचे? नीले तक नहीं पहुंचेंगे। और नीले की गति कैसे हो जाएगी? रुक जाएगी। और नीले की गति रुक गई तो क्या होगा? परिसंचरण भी रुक जाता है। तो ये परिसंचरण यहाँ पर रुकने का कारण ही क्या हो जाता है? जैसे ही नीले की गति रुकी इट मीन्स हार्ट में क्या हो गया? ब्लॉक हो गया है, यानी यहाँ पर हिस्के बंडलों ने काम करना बंद कर दिया है। ये स्थिति कहलाती है हमारी हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट आता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हम कहते हैं हार्ट अटैक आया किसी को, तो हार्ट अटैक आता कैसे है? हार्ट अटैक में क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है हमारे हृदय में? कोरोनरी धमनी में अवरोध से, कोरोनरी जो धमनी होती है उसके अंदर क्या हो गया? अवरोध हो गया, कोई रुकावट आ जाती है जिससे हृदय पेशियों से को पर्याप्त रुधिर नहीं मिल पाता। अब हृदय की जो पेशियां उनको यदि रुधिर नहीं मिल पाएगा यानी वो पेशियां क्या हो जाती है? रुधिर नहीं मिला, धीरे धीरे पेशियां कैसे हो जाएंगी? क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो पूरी तरह से कार्य क्षमता से, जितनी कैपेसिटी से हृदय पेशियों को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। और इस स्थिति में किसकी संभावना आती है? भाई जब रुधिर नहीं पहुंच रहा, पेशियां ढंग से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? हार्ट अटैक आई जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हृदय शूल, एंजाइना। हृदय धमनी को रक्त नहीं मिलता और जिससे क्या हो गया? कोरोनरी धमनी में क्या, हृदय धमनी से रक्त कहाँ नहीं मिल रहा? कोरोनरी धमनी में नहीं पहुंच रहा। अब कोरोनरी धमनी में नहीं पहुंचता तो वहां पे क्या हो जाता है? संकुचन या ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, धक्का बनना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा? हृदय पेशियों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। दोबारा से देखिए, हृदय धमनी में जब रक्त जो होता है वो कोरोनरी धमनी में नहीं पहुंचता तो कोरोनरी धमनी के अंदर रक्त की क्लॉटिंग या जो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है संकुचन, और यहाँ से रक्त फिर हृदय पेशी तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती। इस स्थिति का प्रमुख लक्षण क्या होगा कि सीने में कंधे में दर्द होने लग जाता है, सीने में कंधे में बहुत दर्द होने लगता है और इसी स्थिति को हम कहते हैं ऑर्टियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कोरोनरी धमनी थक्का बनाने में बनने से हृदय पेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता। कोरोनरी धमनी में जब ब्लड हो गया, जैसे यह चीज ये चीज, तो हृदय पेशियों को जो रक्त नहीं मिलता क्योंकि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या हो गया? कोरोनरी के अंदर थक्का बन चुका है, कोरोनरी जो धमनी है उसमें थक्का जो बन चुका है तो वहां से हृदय पेशियों को रक्त पर्याप्त नहीं मिलता है और इसी स्थिति को हम कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट पेरिकार्डियटिस, जीवाणु के संक्रमण से पेरिकार्डियम, हमने पढ़ा था एक फ्लूड होता है, पेरिकार्डियम क्या है? जो हृदय की पेशियां होती है, भित्तियां होती है, तो उसके तीन भाग पड़े थे, तो उसी पेरिकार्डियम में और उसके अंदर जो द्रव भरा था वो पेरिकार्डियल द्रव कहलाता है, और उसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उस सूजन की वजह से हृदय का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, सामान्य से थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है और इसी स्थिति को हम कहते हैं पेरिकार्डियटिस। नेक्स्ट रूमेटिक हृदय रोग, ये देखिए एक जीवाणु की वजह से होता है, एक स्पेशल जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की जीवाणु के कारण होता है जिसमें हृदय के कपाट जो है, वॉल्व जो है कपाट, वो ढंग से कार्य नहीं कर पाते और जिससे हृदय पेशियां क्या हो जाती है? रुक जाती है। वही बात है, हृदय पेशियां रुक गई इट मीन्स हृदय के अंदर क्या हो गया? रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे रूमेटिक हृदय रोग। लास्ट निलय तंतुकता। निलय तंतुकता क्या होगी? निलय का प्रत्येक भाग संकुचन करता है, यानी प्रत्येक तक होकर के हर भाग उसका संकुचन कर रहा है। अब इस तरह की स्थिति हो गई, निलय क्या हो गया? प्रत्येक भाग में विभाजित हो जाता है एक तरीके से, और इसी स्थिति को हम कहते हैं निलय तंतुकता। तो देखिए कोई भी एग्जाम के अंदर आपका इसमें से कोई भी हृदय रोग के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी बेसिक चीज क्या है, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं हृदय संबंधी दो रोगों के नाम लिखिए, हृदय संबंधी दो रोगों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए,
पर्सन तंत्र से संबंधित लोगों के बारे में बताइए, तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर कितना होता है ये आप याद करेंगे, हार्ट ब्लॉक किसकी वजह से हो जाता है, हिस्के बंडल जब काम नहीं कर पाते ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेन मेन चीजें रूमेटिक हृदय रोग किस जीवाणु से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक कब आ जाता है, जब कोरोनरी धमनी में अवरोध होने से हृदय पेशियों को पर्याप्त रुधिर नहीं मिलता है। तो जो जो भी चीजें इम्पोर्टेंट है इन सबको आप लर्न करिए, अच्छे से याद करिए और नोट्स को प्रॉपरली नोट डाउन करें। आपका कल जो टेस्ट हुआ है उसमें होप्स हो कि सभी ने अच्छा और अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।